फाइव स्टार होटल ताज मानसिंह पर टाटा समूह का नियंत्रण बरकरार रहेगा। नई दिल्ली नगर पालिका की शुक्रवार को हुई नीलामी में टाटा समूह ने दिल्ली के लुटियंस में बने आलीशान होटल का नियंत्रण अपने पास रखने में सफलता हासिल कर ली और टाटा समूह ने दोगुने लाइसेंस शुल्क पर होटल पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। शायद ही कोई ऐसा हो जो देश की राजधानी दिल्ली के दिल में बने इस 5 सितारा होटल को नहीं जानता हो। यह होटल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जिसने भी ताज मानसिंह होटल का एक बार दीदार किया वो इस होटल का मुरीद बन गया। यही वजह है कि टाटा समूह ने दोगुने लाइसेंस शुल्क पर होटल पर अपना कब्जा बरकरार रखा। नीलामी में टाटा के सामने ITC ने कड़ी प्रतिस्पर्धा देते हुए इसमें भाग लिया। ताज मानसिंह होटल का पट्टा 2011 में समाप्त हो गया था। तब से टाटा समूह अस्थायी तौर पर मिले विस्तार के साथ इस होटल को चला रहा है। कई साल तक इसको लेकर मुकदमा भी चलता रहा। नीलामी के बाद अब होटल को एक बार फिर कंपनी को 33 साल के पट्टे पर दिया जाएगा। इसके लिए लाइसेंस शुल्क दोगुना हो जाएगा। NDMC के मुताबिक टाटा समूह के इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने GST समेत 7.03 करोड़ रुपए की मासिक लाइसेंस फीस और होटल से होने वाली सकल आय के 32.50% की शर्त पर होटल का नियंत्रण बरकरार रखा है। इससे पहले कंपनी लाइसेंस शुल्क के तौर पर प्रति माह 3.94 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही थी। ताज मानसिंह होटल 1978 में टाटा समूह को 33 साल के पट्टे पर दिया गया था। ये 2011 में समाप्त हो जाने के बाद कंपनी को 9 बार विस्तार दिया गया। NDMC और कंपनी के बीच जारी कानूनी मुकदमे की वजह से इस होटल की नीलामी टलती जा रही थी। दोगुना शुल्क देकर होटल पर अपना स्वामित्व बनाने के बाद अब इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के MD और CEO पुनीत चटवाल ये दावा कर रहे हैं कि वो जल्द ही कंपनी पर पड़े अतिरिक्त भार को मुनाफे में तब्दील करेंगे। इस खुशी को सार्वजनिक तौर पर सेलिब्रेट करने के इरादे से गुरुवार की शाम 7:30 बजे ताज मानसिंह होटल में एक शानदार कॉकटेल पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें होटल के शीर्ष प्रबंधन के अलावा लगभग 200 VVIPs को इन्वाइट किया गया है। चैनल हेड जगदीश चंद्र ने भी इस अवसर पर ताज होटल्स ग्रुप को शुभकामनाएं दी। इसमें कोई शक नहीं कि पूरे ताज ग्रुप का ताज है ताज मानसिंह। मैं कस्टमर के नाते 25 साल से इस होटल से जुड़ा हूं एंड आई फील प्राउड ऑफ इट। बेस्ट ऑफ लक। ताज होटल्स के पूरे स्टाफ के चेहरे पर एक लंबी लड़ाई जीतने की खुशी साफ नजर आती है। अलबत्ता पिछले कई वर्षों से दिल्ली नगर पालिका, गृह मंत्रालय, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चली इस लंबी लड़ाई का संचालन रिमोट कंट्रोल पर बैठकर ताज ग्रुप के डायरेक्टर MS कपाड़िया ने मुंबई से किया, जिसमें उन्होंने मुंबई से दिल्ली 1 दर्जन से ज्यादा चक्कर लगाए। रतन टाटा के भरोसेमंद कपाड़िया की छवि एक साइलेंट परफॉर्मर की रही है, जिन्होंने कंपनी की कई स्ट्रेटेजिक बैटल्स को इसी साइलेंट अंदाज में जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।